नमस्कार दोस्तों, नॉलेज की चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत सारे हमारे दोस्तों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि क्या स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट ने पार्टिसिपेट किया, क्या स्टार भारत ने पार्टिसिपेट किया, क्या एंटरटेन का रंगीला चैनल ने पार्टिसिपेट किया और इशारा टीवी ने क्या पार्टिसिपेट किया। ऐसे बहुत सारे आपके क्वेश्चन आ रहे थे तो हमारे पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था, पर आज हम आपके लिए एक जवाब लेकर आए हैं और एक गुड न्यूज़ आप सभी को देना चाहते हैं कि कौन कौन से इनमें से चैनलों ने पार्टिसिपेट किया, इसी पर बात करके। जैसे कि हमने कल एक वीडियो में आपको बताया था कि एंटरटेनमेंट के ज़्यादा चैनल पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इससे प्रसार भारती को भी बेनिफिट है और उनको भी स्लॉट बेचने में कुछ मजा आता है और दर्शकों को भी देखने में कुछ आनंद मिलता है कि कुछ एंटरटेनमेंट सीरियल के चैनल हमें मिले। तो ऐसे ही चाहे वो स्टेट का कोई हो, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज का हो, उसी का ही बेनिफिट है सभी यूज़र को। तो इसी को देखते हुए इसी पर बात करेंगे, सबसे पहले रंगीला पर। जी हाँ दोस्तों, रंगीला एंटरटेन का जो रंगीला चैनल है जो नया अभी लॉन्च नहीं हुआ है हमारे डीडी फ्रीडीज पर, अभी तक कभी नहीं देखने को मिला, तो उसने इस बार पार्टिसिपेट कर लिया है और ये गुड न्यूज़ है सभी के लिए और ये कन्फर्म न्यूज़ है कि इसने पार्टिसिपेट किया, जो हमें न्यूज़ आज मिली है। इसके अलावा इशारा टीवी पर बात करें तो इशारा टीवी पर तो हमने आपको 16 तारीख को ही बता दिया था कि इशारा टीवी पार्टिसिपेट कर चुका है और ये स्लॉट जीते या ना जीते वो बाद की बात है, पर इसने पार्टिसिपेट किया है। अब इसके ऊपर है कि ये कितने पैसे खर्च करेगा कि ये स्लॉट जीत सके। अब देखिए, स्लॉट भी इसका सस्ता नहीं है, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसी को ये स्लॉट मिलेगा। ऐसे ही एंटरटेन रंगीला ने पार्टिसिपेट तो कर लिया है, पर स्लॉट जीतेगा या नहीं ये बाद में पता चलेगा जब इसका रिजल्ट आएगा। बीच में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी क्या इसने पार्टिसिपेट किया, सॉरी इसने स्लॉट जीता या नहीं जीता। और इसके बाद दो ऐसे चैनल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे जो बहुत ही जरूरी चैनल थे, जो सभी की डिमांड थी, एक स्टार भारत और एक स्टार स्पोर्ट फर्स्ट। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि एक चैनल ने पार्टिसिपेट तो कर लिया है, पर अभी स्लॉट जीतना बाकी है। स्लॉट अभी पता चलेगा 22 तारीख के बाद। सबसे पहले एंटरटेनमेंट के चैनलों का ही नीलामी होगी, यानी कि पहली नीलामी होगी एंटरटेनमेंट के चैनलों की होगी और स्टार भारत ने इस बार पार्टिसिपेट किया है तो 22 तारीख को ये भी नीलामी में हिस्सा लेने जा रहा है। स्टार वालों के भी अच्छे चैनल हो गए हैं, एंटरटेनमेंट के दो चैनल आ चुके हैं, स्टार उत्सव ने भी पार्टिसिपेट कर लिया और स्टार भारत ने भी पार्टिसिपेट कर लिया। ये सभी के लिए गुड न्यूज़ है। और अब इसके बाद बात करते हैं स्टार स्पोर्ट फर्स्ट पर। देखिए, स्टार वालों ने अभी तक कुछ कन्फर्म खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट से कन्फर्म नहीं किया है कि उनके चैनल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर अभी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। धैर्य बनाए रखिए, 2-3 दिन और का, क्योंकि जो स्पोर्ट्स का चैनल है स्टार वालों का, ये भी जल्द ही मालूम चल जाएगा कि इसने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया। उम्मीद तो इस बार बहुत ज़्यादा है, 100% के आसपास उम्मीद है कि ये चैनल पार्टिसिपेट करेगा, पर अभी कन्फर्म न्यूज़ नहीं है कि इसने कर लिया है नहीं कर लिया है। इसके लिए आपको 1-2 दिन और वेट करना पड़ेगा, 2 दिन में कन्फर्म हो जाएगा कि ये चैनल पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्पोर्ट्स का चैनल फिलहाल हमारे पास कोई भी नहीं है, एक डीडी वालों का ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। उम्मीद है, बरकरार है उम्मीद कि ये पार्टिसिपेट करेगा, पर इस वक्त जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है वो स्टार भारत को लेकर है। स्टार भारत एक बार फिर से कमबैक कर सकता है, पार्टिसिपेट तो हो चुकी है पर स्लॉट जीतना बाकी है। आने वाले टाइम में 22 तारीख के बाद 24-25 तक ये कन्फर्म हो जाएगा कि किन किन एंटरटेनमेंट के चैनलों ने स्लॉट जीता। उसके बाद 25 के बाद मूवी का भी मालूम चल जाएगा, कौन कौन से मूवी के चैनलों ने स्लॉट जीता। ऐसे ही धीरे 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 आगे चलकर हमें पता चल जाएगा 15 मार्च के आसपास या 20 मार्च के आसपास ये सारा कन्फर्म हो जाएगा किन किन चैनलों ने स्लॉट जीता। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी दोस्तों। थैंक यू।